क्या आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब किया? अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन के घंटे को क्लिक करना बिल्कुल भी न भूलें। इससे होगा क्या दोस्तों, जब भी प्राइमएक्स चैनल पर एक वीडियो अपलोड की जाएगी तब तब आपके पास एक नोटिफिकेशन एक मैसेज आएगा जिसके जरिए आप हमारी वीडियो तुरंत देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, प्राइमेक्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, ये एक एलजी की फुल ऑटोमेटिक मशीन है। ये बहुत ही अच्छा मॉडल है एलजी का और इसमें दोस्तों मैं आपको हर एक चीज़ बताने वाला हूं और जो मेरी आने वाली वीडियो होंगी वो एक एक पार्ट्स में होंगी, लेकिन इस टाइम मैं आपको जो समझाने वाला हूँ वो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम बताने वाला हूँ और साथ में किस तरीके से ये वर्क करती है, किस तरीके से ये काम करती है फुल ऑटोमेटिक मशीन, उसके बारे में दोस्तों मैं आज बताने जा रहा हूँ। और उसके बाद दोस्तों जो भी मेरी वीडियो आएगी वो एक एक पार्ट्स में होगी। डिस्प्ले कैसे काम करती है, कैसे मोटर काम करती है, कैसे हमारा जो पानी का वाटर होता है वो कैसे लेवल में आता है, कैसे मोटर स्टार्ट होती है, कैसे गियरबॉक्स चेंज होता है, अदरवाइज टोटल मैं हर एक वीडियो में इसमें एक एक पार्ट्स में आपके लिए बनाने वाला हूँ। तो बने रहिए दोस्तों हमारे प्राइमेक्स चैनल पे। दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल न्यू विजिट किया है तो प्लीज़ दोस्तों राइट वाले आइकन को क्लिक करके मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों साथ में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें जिससे कि मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं शुरू। और दोस्तों वीडियो आगे वॉच करने से पहले प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें जिससे कि मैं और भी आगे वीडियो आपको दे सकूँ। और दोस्तों अगर आपको कोई भी इसके बारे में कोई भी आपको जानकारी चाहिए, जैसे कि वाटर कैसे काम करता है, वाटर लेवल कैसे काम, कोई भी आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं उसके ही हिसाब से मैं वीडियो आगे बनाऊं। यहां पे दोस्तों सबसे पहला काम क्या होता है, अगर आप कोई भी मैकेनिक हो या आप इंजीनियर हो, जब भी किसी भी कस्टमर के यहाँ पे अगर आप काम करने जाते हो, वॉशिंग मशीन को रिपेयर करने जाते हो, तो सबसे पहले आप प्लग लगाते हो। प्लग लगाने के बाद आप यहाँ से आप देख रहे हो, यहाँ से एकदम इससे को स्टार्ट करते हो और यहाँ पे आप देखते हो एफ आ रहा है। एफ का मतलब है कोई इसमें फंक्शन आप दबाओ जिससे कि आपको जो भी आइटम आपको चलाना है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं सबसे पहले वॉश करता हूँ। यहाँ पर वॉश का आपको दिख रहा होगा, ये वॉश है और साथ में यहाँ पे जो वाटर है तो वाटर का अभी 7 है, मतलब कि जो सबसे कम रेंज की जो वाटर हमारा आता है वो 1 से आता है, फिर 3, 4, 5 इस टाइप से ऊपर तक आता रहता है। मतलब कि आपके अगर कपड़े कम हैं तो 1 पे आप वाटर रखेंगे और अगर 3 है तो आपको मतलब कि थोड़ा सा उससे ज़्यादा वाटर हो जाएगा। मतलब जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये हमारे पास वाटर है। तो वाटर क्या होता है, जब ये आप यहाँ पे इसका जो डेमो होता है, यहाँ पे डेमो दिया हुआ होता है कि आपको वाटर कितना रखना, कितने आपके इसके अंदर आप कपड़े धोएंगे, तो उसके हिसाब से आप वाटर रखेंगे। अगर आपके कम कपड़े हैं तो आप 1 पे रखेंगे, तो जैसे ही आप 1 के हिसाब से जो वाटर है वो आएगा इसके अंदर और ऑटोमेटिक ये मशीन चालू हो जाएगी। लेकिन इसमें मैंने ऑलरेडी यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास दुकान है, ये यहाँ पर मैंने पानी नहीं डाला, लेकिन मैंने इसमें बाल्टी से ही पानी इसमें डाल दिया है जिससे कि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जब आप वाटर यहाँ पर हम सेट कर लेंगे, यहाँ पे आप बाटर देख रहे हैं, यहाँ पे जब हम बाटर सबसे स्लो वाला, हम जो सबसे कम वाला है वो यहाँ पे हम रख लेंगे। अगर हम इससे ऊपर रखते हैं, मतलब 5 पर रखते हैं, तो पहले ये पानी लेगा, लेने के बाद जब इसमें पानी पूरा हो जाएगा तब ये स्टार्ट होगी, उससे पहले ये स्टार्ट नहीं होगी। लेकिन आने वाली वीडियो में आपको ये भी बताऊँगा कि किस तरीके से अगर आपके पास पानी उपलब्ध नहीं है तो इसको हम डायरेक्ट भी किस तरीके से चेक कर सकते हैं जिससे कि हमें पता चल सके कि हाँ ये मशीन सही काम कर रही है नहीं कर रही है। उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पर सेट कर लिया है सब कुछ, उसके बाद जैसे ही हम इसको यहाँ से इसको चालू करेंगे तो हम मशीन हमारी चालू हो जाएगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों हमें ये ढक्कन को बंद करना होगा तभी हमारी मशीन चालू हो जाएगी। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे ये चालू हो चुकी है, लेकिन कुछ देर के बाद ये हमारी मशीन बंद हो जाएगी। आप यहाँ पे देख रहे हैं VE करके कुछ एरर आ गया, तो इसका मतलब होता है कि गेट हमें बंद करना होगा तभी ये आगे मशीन हमारी चल पाएगी। तो जैसे ही मैं इसका यहाँ से गेट बंद करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे ऑटोमेटिकली ये मशीन हमारी चालू हो जाएगी, वर्क हमारी ये करने लगेगी। इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे ये हमारी मशीन जो है चालू हो चुकी है, अच्छी तरीके से काम कर रही है। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है यहाँ पर ये पाउस, यहाँ से जैसे कि हमने यहाँ से पाउस कर दिया और उसके बाद जैसे ही हम इसको कोई और मोड़ पर डालना चाहते हैं, ये जिस मोड़ पे है, हम थोड़ा सा अगर हम जींस के कपड़े धोना चाहते हैं या तो अगर हम कोई भी भारी कपड़े धोना चाहते हैं तो यहाँ से इसको हम बदल सकते हैं, जैसे कि हमें जींस। अब दोस्तों मैंने इसको क्या किया, जींस मोड़ पर डाल दिया है और अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ तो ये क्या है दोस्तों, एफ़ आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे क्या है, हमें इसमें वाटर जो आ रहा है, मतलब इसके अंदर वाटर अभी और आएगा तब ये मशीन चल पाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ से इसका वाटर जो है बिल्कुल स्लो पे कर देते हैं तो ये हमारी मशीन वर्क करने लगेगी। आप देखें मशीन हमारी चालू हो चुकी है। तो इस तरीके से हमारा जो डिस्प्ले है, लेकिन आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि हर मशीन का जो डिस्प्ले होता है, हर मशीन का, हर जैसे कि सैमसंग हुई और इसके बाद जो हमारी एफ़ भी आती है, कोई भी मशीन हो आपकी,
तो वो हर किसी का फंक्शन जो होता है वो अलग अलग होता है, क्योंकि मैं इसमें आपको इस तरीके से नहीं समझा सकता कि हर किसी में इसी तरीके से फंक्शन हमारा होता है, लेकिन हर मशीन में फंक्शन अलग अलग होता है। आपको ध्यान रखना है, जब भी आप जाएँ तो आपको एक पावर का मिलेगा, पावर ऑन ऑफ का मिलेगा और एक पाउस का, ये तो हर किसी में मिलेगा ही, साथ में आपको जो डिस्प्ले मिलेगी थोड़ी सी अलग मिलेगी हर मशीन की। आपको ध्यान यही रखना है कि जब भी आप कभी भी किसी कस्टमर के यहाँ पे जाएं तो सबसे पहले आप इसके बारे में समझ लें अच्छे तरीके से, और उसके बाद ही इसको पाउस या इसको रनिंग में जब भी आप लें, तो जिससे कि कस्टमर को ये ना लगे कि हाँ आप अनाड़ी हैं, और जिससे कि आप उसको बेहतर सर्विस दे सकें और सही तरीके से आप उसका काम कर सकें। तो इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर हमारा सारे फंक्शन इसी तरीके से काम करते हैं, जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ से करके और इसको आप ऑन और ऑफ कर सकते हैं, और रनिंग में हम इसको कपड़े वगैरह धो सकते हैं अच्छे तरीके से। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा नंबर ढक्कन का। ढक्कन का काम क्या होता है दोस्तों, जैसे ही हम इसको पाउस करते हैं या रनिंग में लेते हैं, जैसे ही हम इसको स्टार्ट करते हैं, अगर हमारा ढक्कन खुला रहा इस तरीके से, तो इसमें क्या होता है, एक बटन होता है यहाँ पे या इधर साइड में आपको एक बटन मिलेगा। अगर हमने ढक्कन इसको खोल दिया है तो हमारा वो बटन क्या होता है, ऑफ हो जाता है, करंट आगे जाना बंद कर देता है, जिससे कि वो प्रोग्राम जो होता है सेट हमारा, वो ढक्कन के थ्रू हमारा ऑन और ऑफ कर देता है मशीन को, और यहाँ पर कोई एक संकेत दे देता है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको ढक्कन का जो संकेत होगा वो हमारा, यहाँ पे मैंने इसको जो वाटर था वो मैंने इस मोड पे डाल दिया है, और आप देखेंगे यहाँ पे बी ई करके यहाँ पे एरर आ गया, मतलब हमारा ढक्कन खुला है। तो यहाँ पे एक बटन होता है, यहाँ पे जब आप इसको मशीन को खोल के देखेंगे तो अंदर एक बटन होता है। अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहते हैं, मतलब कि ढक्कन से हमारा ऑन ऑफ ना हो, अगर आप इसको सही रिपेयर करने गए हैं, तो अगर आप यहाँ से इसका ढक्कन खोल के इसको आप डायरेक्ट कर देंगे, ढक्कन से ऑन ऑफ हो गए, ये बंद और चालू हो रही है, तो वो नहीं होगी। आप अच्छे तरीके से उसको चेक कर सकते हैं। मैं इसका ढक्कन कर देता हूं बंद। उसके बाद दोस्तों जैसे ही हमारा वाटर यहां से, जब यहां से मशीन वाटर लेती है, तो हमारा जो वाटर आता है, जो दोस्तों वाटर हमारा लेगी वो यहाँ से लेगी दोस्तों, यहाँ से लेगी और यहाँ से लेगी, मतलब कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कूल्ड और हॉट, मतलब कि अगर आपको गर्म पानी मशीन के अंदर डालना है तो आप इधर से डालेंगे, और आपको अगर ठंडा पानी डालना है तो वो इधर से डालेंगे। ये इसीलिए होता है, अंदर से क्या सिस्टम होता है, किस तरीके से ये काम करते हैं, वो सब कुछ मैं आने वाली वीडियो में सब कुछ आपको बताऊँगा। और साथ में दोस्तों जैसे ही आप यहाँ, उसके बाद दोस्तों हम फ्रंट पर आ जाते हैं। जैसे ही हमारी मशीन अगर इधर राउंड नहीं ले रही है, मतलब कि एक ही साइड में राउंड ले रही है, इधर साइड में नहीं राउंड ले रही है, तो हमारी जो हमारी पीसीबी होती है वहाँ दिक्कत होती है, साथ में हमारी जो मोटर होती है वहाँ भी दिक्कत आती है। दो जगह हमारी दिक्कत आती है, एक तो मोटर में आ सकती है दिक्कत, या हमारी डिस्प्ले में आती है। 80% जो दिक्कत आती है वो हमारी हमारी पीसीबी के अंदर ही आती है, क्योंकि पीसीबी ही हमारी दोनों तरफ को जो टाइमर का जो सेमी ऑटोमेटिक में होता है कि उसमें टाइमर होता है, इसमें हमारी पीसीबी होती है। अगर आपकी मशीन दोनों साइड में नहीं चल रही है, ये इधर की साइड में भी नहीं चल रही है और इधर की साइड में भी चल रही है, तब भी हमारी पीसीबी में हो सकता है वायरिंग में दिक्कत हो। अगर हमारी एक ही साइड में चल रही है तो एक वायर टूटी हो सकती है, मोटर खराब हो सकती है हमारी, या फिर हमारी जो पीसीबी होती है उसमें दिक्कत होगी। अब सपोज करो दोस्तों आपने यहां पे इसको स्पिन मोड पे डाल दिया, अभी जैसे ही इसको स्पिन मोड पे डाला, अब आपका जो इसके अंदर जो पानी है वो हमारा आउट होना चाहिए, मतलब कि जो हमारा पाइप है, जो हमारा पानी बाहर निकलता है, वो हमें वहाँ से पानी निकलना चाहिए। अगर वो नहीं निकल रहा है तो उसके अंदर एक मोटर होती है, वो हमारी ख़राब होती है, या फिर वहाँ तक हमारा करंट नहीं जा पा रहा होता है, तो उसमें यही दिक्कत आती है। अदरवाइज़ अगर आपकी मोटर में करंट जा रहा है और मोटर हमारे वर्क नहीं कर रही है, तो हमारी जो उसके अंदर जो मोटर होती है, पानी में जो सिस्टम होता है, जो पानी को खींचती है, जैसे कि हमारी ड्रेन करती है, जो हमारी यहाँ पे क्या होती है, सेमी ऑटोमेटिक में हमारी रस्सी होती है और यहाँ पे क्या एक मोटर लगी हुई होती है, जो वो रस्सी वो खींच लेती है और हमारा जो पानी है यहाँ से निकल के वो आउट हो जाता है, और साथ में हमारा जो ड्रम है वो खाली हो जाता है, और जैसे ही हमारा पानी यहाँ से खाली होता है, हमारा जो स्पिनर है वो यहाँ से चलने लगता है। और जब ये स्पिनर हमारा चलता है तो ये हमारा जो सामने जो वॉश वाला है, जो हमारा कपड़े धोता है, ये हमारा रुक जाता है, वो करता है गेयरबॉक्स काम। तो गेयरबॉक्स कैसे काम करता है, कैसे हमारा स्पिन काम करता है, कैसे गेयरबॉक्स काम करता है, कैसे हमारा जो पानी का जो हमारा इनलेट आउटलेट होता है वो कैसे काम करता है, सब कुछ मैं इसमें बताऊंगा दोस्तों, एक एक चीज़ आपको बताऊंगा, एक एक पार्ट्स खोल के बताऊंगा आपको, और साथ में आपको दिखाऊंगा भी कि किस तरीके से ये काम करता है, किस तरीके से हम इसको रिपेयर करें। बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो दोस्तों लाइक ज़रूर करें, क्योंकि मैं इसमें आगे और भी बेहतर बेहतर जानकारी आपको देने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास आ चुकी है फुल ऑटोमेटिक मशीन, और इसमें मैं एक एक पार्ट्स आपको बताऊँगा, एक एक चीज़ आपको खोल के दिखाऊँगा, एक एक चीज़ आपको क्लियर तरीके से समझाऊंगा कि इसका काम क्या होता है। तो दोस्तों प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़ता रहे और साथ में मैं आपको वीडियो अच्छी अच्छी देता रहूं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट में नई भूसा, तो की पावर।
क्या आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब किया? अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन के घंटे को क्लिक करना बिल्कुल भी न भूलें। इससे होगा क्या दोस्तों, जब भी प्राइमेक्स चैनल पर एक वीडियो अपलोड की जाएगी तब तब आपके पास एक नोटिफिकेशन एक मैसेज आएगा जिसके जरिए आप हमारी वीडियो तुरंत देख सकते हैं।